और गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। किसानों को एकजुट रखने को लेकर के यहाँ पर प्लान तैयार किया जा रहा है। सहारनपुर मेरठ मंडल के जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल जिम्मेदारी इस तरह की जिससे किसान आंदोलन जीवित रहे। 200 किसानों के साथ दरअसल 10-10 दिन का धरना भी दिया जाएगा। ये एक बड़ा फॉर्मूला राकेश टिकैत की ओर से इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपनाया गया है और इससे कितना वे सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि पंचायतों वाला जो प्लान है वो उतना ज्यादा कारगर नजर नहीं आ रहा है। जाने का महाराष्ट्र प्रोग्राम था, महाराष्ट्र नहीं जा पाए क्योंकि वहां पर पूरा कोविड का 2-3 जगह जो मीटिंग थी पूरा कोविड के उससे वो प्रोग्राम कैंसिल हुई। फिर रात को हम यहाँ पे गाजीपुर ही आ गए। अब 2 दिन हम गाजीपुर में रहेंगे। जिन लोगों को भी आना है वो 2 दिन आ सकता है। हम गाजीपुर में ही रहेंगे, सब लोगों से मिलेंगे यहाँ पे और आगे की पूरी रणनीति बनाएंगे। हालांकि इन तमाम रणनीतियों के बीच में किसान आंदोलन के राकेश टिकैत भड़काऊ बयान देने से नहीं चूक रहे। गर्मियों में भी उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत गर्मियों में एसी और कूलर लगाने की बात भी कह रहे हैं। बिल्कुल, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि गर्मियों में यहां पर कूलर भी लगेंगे और एसी भी लगेंगे। यूपी सरकार से बिजली हम मांगेंगे, अगर नहीं दिया तो दिल्ली से मांगेंगे, दिल्ली ने नहीं दिया तो जनरेटर लगाएंगे, लेकिन आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। गर्मियाँ शुरू हो गई, आंदोलन जारी है। बिल्कुल, पंखे भी शुरू हो गए, कूलर भी शुरू होंगे, एसी भी लगेंगे। दिल्ली सरकार से पहले उत्तर प्रदेश सरकार से बिजली का कनेक्शन मांगेंगे, फिर दिल्ली सरकार से मांगेंगे, नहीं देंगे तो जनरेटर लगेंगे, घर नहीं जाएंगे। आंदोलन की रूपरेखा बनेगी, पूरी दिक्कत कुछ नहीं है। 2.5 घंटे के कोल पे आदमी है, तेल भरवा के बता दे सबको, तेल भरवा के खड़ा रखो ट्रैक्टर, अपना अड़पाते का ध्यान रखो। और चलिए एक और अहम खबर आपको बता दें, सीएम केजरीवाल कल किसानों से मुलाकात करने वाले, किसान संगठन के नेताओं से मुलाकात करेंगे केजरीवाल। कृषि कानूनों को लेकर दरअसल किसानों से चर्चा होगी, जहां किसानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति बना चुकी है। और देखिए, इसी रणनीति के तहत तमाम नेता जो हैं वो अब किसानों के बीच जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। प्रियंका गांधी के अलावा कल अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी किसानों के बीच जाएंगे, कृषि कानून को लेकर के किसानों से मुलाकात करेंगे। इसका सीधा मतलब ये दीपिका कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी किसानों के आंदोलन के तहत अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और कल किसानों से चर्चा करेंगे। दिल्ली विधानसभा में बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की किसानों के साथ, किसान नेताओं के साथ होगी। तो देखिए, किसानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री कल मुलाकात करने वाले किसानों के साथ और कृषि कानून को लेकर के क्या रणनीति बनाई है, आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है, इस आंदोलन को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है, ये देखना होगा। तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की घटती संख्या से राकेश टिकैत परेशान है, जहां पर किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए राकेश टिकैत ने खुफिया बैठक बुलाई है। गाजीपुर बॉर्डर पर बीकेयू की तरफ से पदाधिकारियों संघ की बैठक बुलाई गई है। बैठक में किसानों की संख्या बनाए रखने पर चर्चा हो रही है, क्योंकि संख्या लगातार घट रही है बॉर्डर से और इसीलिए संख्या कैसे बढ़ाई जाए इसी को लेकर की ये खुफिया बैठक बुलाई गई है। बहुत पदाधिकारी यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान यूनियन के लोग थे वे लोग आए यहाँ पे, उनसे मीटिंग हुई सारे पदाधिकारियों से और काफी चीजों पर चर्चाएं हुई, आगे कैसे कैसे व्यवस्था बनेगी इस पर सारी चर्चा यहाँ पर पदाधिकारियों से हुई।